तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिटर्न वैल्यू। किसी भी फंक्शन के लिए रिटर्न वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी एक हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है वो हम लोग को डिफाइन करना होगा, मीन्स उसके अंदर लॉजिक क्या है। अब जो भी हम लोग लॉजिक लगाए उस से अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू मिल रही है, लाइक अगर हम लोग कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो हम लोग को एक ऐड करने के बाद थर्ड नंबर हम लोग को देगा, तो या तो वो वहीं पे प्रिंट हो रहा है या तो हम लोग को वो रिटर्न कर रहा है, वो चीजें हम लोग को बतानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जो होती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो फंक्शन के थ्रू रिटर्न कराया जाता है, मतलब फंक्शन का एक प्रकार का आउटपुट होता है। मान के चलिए इसी फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूज वॉइड फॉर द रिटर्न टाइप। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। सी फंक्शन से मान वापस कर सकता है या भी नहीं कर सकता। यदि आपको फंक्शन से कोई मान वापस नहीं करना है तो वापसी का प्रकार के लिए शून्य का प्रयोग उपयोग कर सकते हैं। शून्य मतलब void। ठीक है, अब यहाँ पे जो void हम लोग यूज करते हैं, void एक ऐसा कीवर्ड होता है जो किसी जीरो वैल्यू को डिफाइन करता है। जीरो मीन्स वहां से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है। कोई ऐसा फंक्शन जिसमें से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और उसके रिटर्न टाइप में हम लोग वॉइड लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड हेलो और इस टाइप को फंक्शन ब्रैकेट हमने लगाया है, और उसके अंदर हमने प्रिंटर स्टेटमेंट के अंदर लिखा है हेलो सी। इसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने रिटर्न टाइप लिखा है वहां पे हम लोग को वॉइड लिखना होगा। रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यू नीड टू यूज एनी डेटा टाइप सच एज इंट लॉन्ग कैर एक्सेट्रा। ठीक है, इंट लॉन्ग कैर एक्सेट्रा। अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू रिटर्न करना है अपने फंक्शन के थ्रू तो हम लोग उसका डेटा टाइप को एज ए रिटर्न टाइप हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, द रिटर्न टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, अब ये डेटा टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। टाइप का मतलब डेटा टाइप। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप बोल रहे हैं तो मतलब रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न जो हम लोग करा रहे हैं उसका डेटा टाइप। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर लॉजिक लगाए हैं वहां से कौन सी वैल्यू हम लोग रिटर्न करनी है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंट गेट, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिटर्न 10। तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पर रिटर्न किस टाइप की वैल्यू कर रहा है, 10। अगर यहाँ पे मैं लिख देता रिटर्न सी तो ये किस टाइप की वैल्यू हो जाती, कैर टाइप की वैल्यू हो जाती, और यहाँ पे इंट की जगह हम लोग को लिखना पड़ता कैर। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखे हैं, इंट लिखे हैं। वैल्यू 10 रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे उसी का ही डेटा टाइप हम लोग को लिखना है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे सबसे लास्ट में इसको लिखा जाता है। सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, जिसको जिससे हम लोग वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव टू रिटर्न 10 एज ए वैल्यू सो द रिटर्न टाइप इज इंट। इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना है तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। ओके, फ्लोट गेट, यहाँ पे रिटर्न दे दिया हम लोग 10.2। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं।
तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं अपने फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। हम लोग फंक्शन कॉलिंग अपने, जब भी हम लोग कॉलिंग करते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग, हम लोग जो भी फंक्शन बनाए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही कॉलिंग करना होता है। तो यहाँ पे फोर टाइप्स के कॉलिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स देयर आर फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉल्स। ठीक है, अगर कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी के एस्पेक्ट्स पे हम लोग फंक्शन कॉल डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर टाइप के फंक्शन कॉलिंग अवेलेबल है। सबसे पहला है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब होगा कि कोई भी फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट है फंक्शन विथआउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी आर्गुमेंट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नो आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू। ओके, थर्ड आते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, फोर्थ है फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, तो फोर टाइप्स के यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। सॉरी, ये नो रिटर्न वैल्यू है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले void print हम लोग ने क्या कर लिया है, declare कर लिया है। void print यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया है, एक function declare कर लिया है जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं print name। print name नाम का हम लोग ने function declare कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं main में। ठीक है, यहाँ पे calling हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ने declare किया तो इसको define भी करेंगे, हम लोग इस main के बाहर में इसको define करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने उसको डिफाइन किया, तो हम लोग लिखे हैं void print name और यहाँ पे हम लोग लिखे print साई कॉलेज। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन किस टाइप का हुआ, फंक्शन कॉलिंग जो है। ठीक है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन मीन्स हम लोग इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जो भी काम है, जो भी हम लोग लॉजिक लगाए इस फंक्शन के अंदर में ही सारी चीजें कर दी है। तो हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा इसका, सबसे पहले प्रिंट हेलो करेगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। सेकंड, यहाँ पे प्रिंट नेम जो है फंक्शन उसको कॉल किया गया तो void print के पास आ जाएगा कंट्रोल, और उसके बाद जो इसके अंदर का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ साई कॉलेज, तो साई कॉलेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा हेलो साई कॉलेज। Write a program to implement function with no argument
एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच वॉइड मेन यहाँ लिख देते हैं गेट सी एच। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void sum, ठीक है। हम लोग जो नोट्स में लिए थे उससे थोड़ा मैं डिफरेंट फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हम लोग ने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है void sum, ओके। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन हम लोग हमेशा कहाँ पे करते हैं, void main के बाहर में। तो हम लोग सेम सिग्नेचर यूज करेंगे void sum विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करने हैं इसमें। और यहाँ पे मैं ले लूंगा इंट ए कॉमा बी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सी, जिसमें हम लोग दोनों को सम करके डाल देंगे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद हम लोग यहीं पे प्रिंट कर देते हैं इसको। सारा काम हम लोग इस फंक्शन के अंदर में ही हम लोग कर रहे हैं, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी, और कॉमा देके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, सम भी हम लोग इसी के अंदर कैलकुलेट किया, और प्रिंट भी हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं अभी, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी एल आर एस सी आर ओके, और इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कोई भी आर्गुमेंट्स हम लोग ने इस ब्रैकेट के अंदर में एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हम लोग ने ऐसा बनाया जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो हम लोग इसमें रिटर्न टाइप में वॉइड लिखते हैं, ठीक है। मतलब ब्लैंक, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, या फिर जीरो हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं सेव, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ यू एन टू डॉट सी, और इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया है, इसको करते हैं रन, ठीक है। एरर आ गया, अच्छा प्रिंट यहाँ पे हो गया क्या, प्रिंट एफ, हम लोग यहाँ पे करते हैं रन। तो यहाँ सम ऑफ ए एंड बी इज 30 हम लोग को प्रिंट करके मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ये लास्ट प्रोग्राम जो हमारा था उसी में ही यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ने एक void sum नाम का फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे हम लोग ने उसको कॉल किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने क्या कर रहे हैं कि वैल्यू रिटर्न कराना है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ ना करके हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे
रिटर्न सम, यहाँ पे हम लोग प्रिंट ना कर रहे, प्रिंट नहीं कर रहे, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे सम किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, हम लोग ने उसको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अब जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हम लोग को उसका डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंट हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे जो भी हम लोग का डिक्लेरेशन है वहां पे भी हम लोग को इंट का स्पेसिफाई करना होगा। तो सेम सिग्नेचर होना चाहिए इंट सम, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन पार्ट पे भी, और जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे इसको वहां पे भी सेम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड, जब भी हम लोग रिटर्न करेंगे, जब भी हम लोग इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न करेंगे तो उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे दे दिया इंट। क्यों इंट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वैल्यू किसकी रिटर्न हो रही है, इस सम की वैल्यू रिटर्न हो रही है। मतलब ये फंक्शन एक वैल्यू हम लोग को देगा, मतलब ये फंक्शन का एक आउटपुट हम लोग को मिलेगा, वो आउटपुट जो है वो सम की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सम की वैल्यू है वो आउटपुट है। जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। अब ये सम जैसे ही कॉल होगा तो ये एक वैल्यू हम लोग को देगा। इस वैल्यू को भी होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इंट एस इक्वल टू, हम लोग क्या दे रहे हैं, सम। जो भी वैल्यू ये सम रिटर्न करेगा, ये सम जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस एस नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को एस के अंदर मिलेगी, हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे उस एस की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे एस। जो काम हम लोग इस फंक्शन के अंदर में कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मेन फंक्शन के अंदर में कर रहे हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ fun3.c, और हम लोग इसको करते हैं कंपाइल। एक एरर आया, फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। इस प्रकार से हम लोग ने इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न करवाया और यहाँ पे उसको कैच किया। कॉलिंग के समय में हम लोग सम को कॉल किया, और सम जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग वेरिएबल एस पे स्टोर कर दिए। और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसका जो डेटा टाइप होगा, सेम डेटा टाइप का ही हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग ने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाया है और वहाँ पे कैर का वहाँ पे वेरिएबल बना दिया, ऐसा नहीं करना है। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, तभी वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे देखा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्गुमेंट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है।